Welcome my brilliant students. Today we are going to learn Taro's Reward, a Japanese story retold. Class 6, subject English, chapter 3, comprehension, question and answer. ध्यान में रखिए, समझ कर पढ़िए. Repetition is the mother of all skills. इसलिए बार-बार देखिए, सुनिए, पढ़िए. यह आपको परीक्षा में रिवीजन के लिए तथा अच्छी तरह से समझने के लिए उपयोगी होगा. श्री इजी एंड प्रॉस्परस स्टडी के लिए श्री सार्थ द प्रॉस्परिटी यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले. इससे आपको सबसे पहले नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त होंगे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक आपके लिए उपयोगी है, उन्हें अवश्य देखें. उनका उपयोग करोड़ों बच्चे कर रहे हैं, आप भी अवश्य उनका उपयोग करें. श्री सार्थ द प्रॉस्परिटी यूनिवर्सिटी. Remember, you are best scholar, topper, winner, successful student and human being. And I believe in your bright future. Why did Taro run in the direction of the stream? Answer. Taro ran in the direction of the stream because he was thirsty. Secondly, he had never heard before the sound of falling water in that area. Taro, धारा की दिशा में क्यों दौड़ा? उत्तर. प्यासा होने के कारण तारो धारा की ओर भागा. दूसरे, उसने उस क्षेत्र में पानी गिरने की आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी. How did Taro's father show his happiness after drinking sek? Answer. Sek gave warmth as well as energy to the old man. Taro's father stopped shivering and started dancing. In this way, he showed his happiness. जापानी लोकप्रिय ड्रिंक पीने के बाद टैरो के पिता ने अपनी खुशी कैसे दिखाई? उत्तर. जापानी लोकप्रिय ड्रिंक पीने के बाद बूढ़े पिता को गर्मी के साथ ऊर्जा भी मिली. तारो के पिता ने कांपना बंद कर दिया और नाचने लगे. इस तरह उन्होंने अपनी खुशी दिखाई. Why did the waterfall give Taro sake and other water, others water? Answer. The waterfall obliged Taro and changed water into sake. The reason was that he was a thoughtful son. He served his old parents sincerely. Sake was the reward for his goodness. Other people were just greedy, so they got only plain water. झरने ने तारो की जापानी लोकप्रिय ड्रिंक और दूसरों को पानी क्यों दिया? उत्तर. झरने ने तारो को बाध्य किया और पानी को जापानी लोकप्रिय ड्रिंक में बदल दिया. कारण यह था कि वह एक विचारशील पुत्र था. उन्होंने ईमानदारी से अपने बूढ़े माता पिता की सेवा की. जापानी लोकप्रिय ड्रिंक उसकी अच्छाई का इनाम था. अन्य लोग सिर्फ लालची थे, इसलिए उन्हें सादा पानी ही मिला. Why did the villagers want to drown Taro? Answer. The villagers went to the waterfall to collect sake, but they got only plain cold water. They thought that Taro had tricked them. So they looked for Taro to punish him. गांव वाले तारो को क्यों डुबाना चाहते थे? Answer. ग्रामीण झरने के पास जापानी लोकप्रिय ड्रिंक लेने गए थे, लेकिन उन्हें सादा ठंडा पानी ही मिला. उन्हें लगा कि तारो ने उन्हें बरगलाया है, इसलिए उन्होंने उसे दंडित करने के लिए तारो की तलाश की. What did the emperor reward Taro? Answer. The emperor of Japan rewarded Taro for being good and kind towards his parents. This was the emperor's way to encourage all children to respect, obey and serve their parents. सम्राट ने तारो को इनाम क्यों दिया? उत्तर. जापान के सम्राट ने तारो को अपने माता-पिता के प्रति अच्छा और दयालु होने के लिए पुरस्कृत किया. यह सभी बच्चों को अपने माता-पिता का सम्मान करने, उनकी आज्ञा मानने और उनकी सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करने का सम्राट का तरीका था. Mark the right item. Taro earned very little money because the price of wood was very low. सही वस्तु को चिन्हित करें. टैरो ने बहुत कम पैसा कमाया क्योंकि लकड़ी की कीमत बहुत कम थी. तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी टू बाय हिज ओल्ड फादर सम सेक. टैरो ने अतिरिक्त पैसा कमाने का फैसला किया अपने बूढ़े पिता को कुछ जापानी लोकप्रिय ड्रिंक खरीदने के लिए. द नेबर लेफ्ट तारोज हट इन अ हरी बिकॉज She wanted to tell the whole village about the waterfall. पड़ोसी ने जल्दी में तारो की झोपड़ी क्यों छोड़ी? वह पूरे गांव को झरने के बारे में बताना चाहती थी. Who was Taro? What was his most endearing quality?
answer. Taro was a young woodcutter. He was poor but hard working. He honestly wanted to serve his old parents and keep them happy. That was his greatest virtue. Taro kon tha? Unka sabse lokpriya gun, sabse priya gun kya tha? Uttar: Taro एक युवा लकड़हारा था। वह गरीब था लेकिन मेहनती था। वह ईमानदारी से अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करना चाहता था और उन्हें खुश रखना चाहता था। यही उनका सबसे बड़ा गुण था। What did Taro's father wish for one cold day? Answer: Taro's old father shivered with cold. He wished he had a cup of sake which would warm his body and do good to his heart. तारो के पिता ने एक ठंडे दिन की क्या कामना की? उत्तर: तारो के बूढ़े पिता ठंड से कांप रहे थे। वह चाहता था कि उसके पास जापानी लोकप्रिय ड्रिंक का प्याला हो जो उसके शरीर को गर्म करे और उसके दिल के लिए अच्छा हो। हाउ डिड तारो मैनेज टू मीट द डिमांड ऑफ हिज फादर? आंसर: तारो हैड नो मनी टू बाय एक्सपेंसिव सेक, सो ही बिगन टू वर्क हार्डर एट चॉपिंग वुड। गॉड हेल्प हिम इन गेटिंग सेक फ्री फ्रॉम अ वाटरफॉल। The father drank it, felt warm, and started dancing. तारो ने अपने पिता की मांग को कैसे पूरा किया? उत्तर: तारो के पास महंगे जवानी लोकप्रिय ड्रिंक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह लकड़ी काटने में अधिक मेहनत करने लगा। भगवान ने उसे एक झरने से मुक्त होने में मदद की। पिता ने इसे पी लिया, गर्माहट महसूस की और नाचने लगे। How did the villagers come to know of the magic waterfall? Answer: The old man offered a cup of sake to a lady and also told her about the discovery of the magic waterfall. She spread the story thoughtful throughout the whole village. ग्रामीणों को जादुई झरने के बारे में कैसे पता चला? उत्तर: बूढ़े पिता ने एक महिला को जापानी लोकप्रिय ड्रिंक का प्याला पेश किया और उसे जादुई झरने की खोज के बारे में भी बताया। उसने पूरे गांव में कहानी फैला दी। How did the villagers react after tasting the water of the magic waterfall? Answer: They tasted the water and found it plain cold water. They were angry and disappointed. They decided to drown Taro into the stream for befooling them. जादुई झरने के पानी को चखने के बाद ग्रामीणों की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर: उन्होंने पानी का स्वाद चखा और उसे सादा ठंडा पानी पिया। वे नाराज और निराश थे। उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए तारो को धारा में डुबाने का फैसला किया। How did the emperor of Japan reward Taro? Answer: The emperor rewarded Taro with 20 pieces of gold for his goodness. He also named the most beautiful fountain of the city after Taro. जापान के सम्राट ने तारो को किस प्रकार पुरस्कृत किया? उत्तर: बादशाह ने तारो को उसकी अच्छाई के लिए 20 सोने के टुकड़ों से पुरस्कृत किया। उन्होंने शहर के सबसे खूबसूरत फवारे का नाम तारो के नाम पर रखा। इजी एंड प्रॉस्पर स्टडी के लिए श्री सार्थ से द प्रॉस्पेरिटी यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। इससे आपको सबसे पहले नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त होंगे। थैंक यू। ध्यान में रखिए, समझ कर पढ़िए। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स, इसलिए बार बार देखिए और सुनिए, पढ़िए। यह आपको परीक्षा में रिविजन के लिए तथा अच्छी तरह से समझने के लिए उपयोगी होगा। थैंक यू एंड थैंक्स टू गॉड।